तो साथियों, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। आप कई राज्यों के, कई देश के हिस्सों के कष्ट में, कोविड के समय में जब मालूम नहीं रहता, आरटीपीसीआर टेस्ट, कई कई में से आपने आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराए होंगे शायद, सर्टिफिकेट ढूंढे होंगे घरों में, दो डोज मिली कि नहीं, तो इस माहौल में डर भी होता है सभी को। इस माहौल में आप लोग इसके लिए आए और इस कार्यक्रम के लिए आए और कम नोटिस में आए। मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ता या 10 दिन का आपको पूर्व में सूचना गई होगी। हम लोगों की तरफ से उसके लिए माफ़ी, क्योंकि हम इस वाले दिवस, पिछली बार हम वेबिनार में ही इस तरह का कार्यक्रम कर पाए थे। वेबिनार वेबिनार होता है, चेहरे तो दिखते हैं, बात तो होती नहीं, समय तो मिलता नहीं सुनने का, आपस में मिलने का, चाय पीने का, गपशप लगाने का, दोस्ती को दोबारा जगाने का। तो इस समय में, इस कष्ट में, कई कष्ट हैं और आप सब जानते हो, ऐसा नहीं है कि सीधा हवाई जहाज से आप उड़ के आए हो, कहीं कहीं कई मीलों आपको चलना पड़ा है, बस में आए होंगे, फिर कहीं गाड़ी में आए होंगे। आज कई साथी बताए कि रात में ट्रेन में चढ़ के आए, फिर कहाँ और गए, फिर सुबह यहाँ पहुँचे। तो मैं अपने संगठन की तरफ से, एक्शन एड एसोसिएशन की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, आज बहुत बातें हुई हैं, आपने सबसे अच्छी और प्यारी बात जो आप में से कुछ साथी बोले, कुछ साथी शायद शुरुआत में नीचे निकल गए जल्दी, और हम चाहते थे सबकी बात सुनना, क्योंकि ये कार्यक्रम यदि किसके लिए आयोजित है तो आपके लिए आयोजित है। हम लोग को एक महज जरिया है, एक महज, जिसको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, आई विल ऑल्सो स्पीक अ लिटिल बिट इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ माई कोलीग्स फ्रॉम सिक्किम एंड अदर्स साउथ, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग तो केवल एक जरिया है, एक औजार है, जो अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं आप सबके साथ काम करने में, आप सबके साथ, आपसे सीखने के लिए। आप में से कई साथी यहाँ बैठे हैं जिससे व्यक्तिगत रूप से मैंने सीखा है, और मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊँगा, क्योंकि शिक्षक का शुक्रिया नहीं अदा करते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। शिक्षक का एक प्यार का रिश्ता होता है, तो आप सब शिक्षक रहे हो। सामने थानेश्वर जी बैठे हैं कई सालों से, सभी साथी हैं, मैं ऐसा नहीं है, वैष्णवी जी बैठी हैं, अभी हम फ़ोटो खींच रहे थे आपस में बैठ के, एक मित्रता का रिश्ता भी है। पर जिस रूप से उन्होंने हमें उत्साहित किया है, जिस रूप से उन्होंने हमें प्रेरित किया है, तो मैं एक एक नाम नहीं लूँगा। हसनद्दीन जी, कुछ समय हम लोग अभी कहाँ, केरल के त्रिशूर के शहर के आसपास कुछ एक हफ्ता साथ में बिताने का मौका मिला, और हालांकि हम लोग आपस में, कई लोग हम सोशल मीडिया में एक दूसरे से परिचित हैं, चाहे वो टांग साहब हों, चाहे और कई साथी हों। पूनम बौद्ध जी को पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे, और हम, क्या मुझे लगता है, क्या ट्विटर बोलते हैं ना, तो ट्विटर में तो काफ़ी समय से एक दूसरे का करते रहते हैं काम, तो मैं देखते रहता हूँ आप क्या करते हो। तो पहली बार कई साथियों से मौका मिला, कई बार कई साथियों से मैं ही खुद पहली बार मिला हूँ, क्योंकि आप सब साथियों को जानते हैं। मैं हसनद्दीन जी की जिक्र कर रहा था, हसनद्दीन के जो काम हैं, हम लोग क्या फ़ोटो में देख रहे थे अभी तक, आप किस तरह से कोविड में NHRC से भी लड़ रहे थे, ये बोलने के लिए कि गुजरों को जो है पंजाब से हिमाचल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप सबका जो संघर्ष है वो हमें सदैव प्रेरित करता रहा है। कैलाश जी बैठे हैं उड़ीसा में, जब उड़ीसा में रायट्स हुए थे, मुझे लगता है आज 12 साल हो गए, 2009 की बात है कैलाश जी, 8 की बात है, तो आज लगभग 13 साल होने को आए, हो चुके हैं 13 साल। 13 साल पहले जब दंगे हुए थे कंडामल में, आदिवासी साथियों के साथ, वहाँ के दलित साथियों के साथ मारा गया था, तभी कैलाश जी ने, और कोई काम करने को तैयार नहीं था, डरते थे लोग, और वहाँ के जो दंगे में जुड़े हुए थे वो बाद में उनके बहुत बड़े पद भी बने। तो ऐसे साथी जो उस ज़माने में भी, डॉक्टर अशफाक जी हैं यहाँ, अभी थे थोड़ी समय पहले यहाँ पे, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में काम कर, आज मुझे बताया गया कि एक साथी जो हैं वो
जो लोग जिसको हम रेफ्यूजी बोलते हैं, मैं खुद वैसे एक परिवार से आता हूँ इतिहास में, पर काम करते हैं हम, निडर होके काम करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग प्रेरणा के स्रोत्र हो, केवल हमारी संगठन के लिए नहीं। और इस कार्यक्रम के पीछे हमारा यही मकसद था कि आप जो प्रेरणा के स्रोत्र हो कुछ लोगों के लिए, हम कोशिश करेंगे ये मीडिया में जाए पूर्ण रूप से, वो प्रेरणा दूसरे लोग भी देखें, उससे दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। तो इसलिए ऐसे कुछ साथी आज यहाँ आए थे पहले सत्र में, और जो जानते ही नहीं हैं, जिन जो शायद पहली बार सुन रहे होंगे ऋतु जी, और कुछ अपने विचार भी प्रकट कर रहे थे अलग प्रकार के। और कई साथी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आज राहुल राम जी उधर बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो शंकर जी को सालों से जानते हैं और कैसे उन्होंने गीत बनाया। उन्होंने बहुत प्रेरित किया हमें बता के कि जो मेरे गीत के कुछ बोल हैं वो असल में अलीराजपुर से आए थे और हम तो जानते नहीं थे। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बाहर बात कर रहे थे कि आपने जिस सुंदरता से उस बात को रखा कि कैसे ये संघर्ष की बात को हम समाज तक लाएं, तो उसके बारे में आपने बात की, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पर आप सब हम सबके लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत्र हो, समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत्र हो, खास करके ऐसे वक्त में। और ये वक्त केवल पिछले 5-7 साल का नहीं है साथियों, अगर हम मानवाधिकार का इतिहास देखें, घर में कहीं हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लोगों के संघर्ष से सुनते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, मानव अधिकार का इतिहास जो है अधिकारों का इतिहास नहीं है, वो संघर्ष का इतिहास है। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन का इतिहास है वो, पर उसको आप जो आगे करते हो, उसको जो आप सदैव समाज को के सामने रखते हो, उसके लिए हम सब आपके नतमस्तक हैं। आप ऐसे लोग हो जो इतिहास के, जिसको अंग्रेजी में हम प्रिजन बोलते हैं, इतिहास की कैद से, समाज की कैद से, आज नूरी जी बता रही थी उन्होंने कैसे समाज की कैद से निकली, जागृति जी बता रही थी, समाज की कैद से निकलना, इतिहास की कैद से निकलना आप ये दुनिया को सिखाते हो। और इससे बड़ा शुक्रिया मैं समाज की तरफ से आपका नहीं अदा कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही हो जो उस इतिहास से हमें निकाल रहे हो, इस समाज को निकाल रहे हो, एक आशा दे रहे हो आज के बच्चों के लिए, आज के समाज के लिए, कि किस तरह का समाज हो, न्यायपूर्ण समाज कैसा हो, जस्टिस कैसा हो उसमें, न्याय में, व्हाट काइंड ऑफ सोशल एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, पारस्परिक तरह से हम कैसे जिए, सामूहिक तरह से हम कैसे जिए, बराबरी के साथ हम कैसे जिए, तो ये आप सिखा रहे हो हम सभी को। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज के दिन में हमें याद रखना चाहिए, आज नागरिकता की बात हो रही थी कुछ समय पहले, माजा दारूवाला जी नागरिकता के बारे में हमें बता रही थी, सिटीजनशिप के बारे में हमें बता रही थी, सिटीजन्स के बारे में हमें बता रही थी। और मैं वहाँ बैठ के यही सोच रहा था कि ऐसे दुनिया में 10% लोग हैं जिनके पास नागरिकता है ही नहीं, जिनमें से कुछ लोगों पे आप भी काम करते हो रोहिंग्या समुदाय के साथ, आप में से कुछ साथी, तो ऐसे 10% लोग हैं दुनिया में जिसके पास नागरिकता की जो भी छोटी मोटी छत्र छाया, पहली बात तो नागरिकता की छत्र छाया कम ही होती जा रही है, तो नागरिकों के ऊपर ही प्रहार होता है, पर उनके पास तो वो छोटी मोटी छत्र छाया भी नहीं है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हम अगर उस पैमाने से देखें, उस आईने से देखें, तो हमारी लड़ाई केवल नागरिकता तक ही सीमित नहीं रह सकती। तो अधिकार की जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं वो केवल हम उसको नागरिकता के नज़रिए से नहीं देख सकते कि कौन नागरिक है कौन नहीं। आज का ये बड़ा सवाल है हमारे देश में भी कि बहुत ऐसे लोग हैं इसी देश में जिसके पास छोटी मोटी नागरिकता भी नहीं है, और जो नागरिकता है उसको भी हटाए जाने का डर फैल रहा है। बहुत बड़ा आज चर्चा नहीं हुई उसकी, CAA NRC की चर्चा रही है पीछे महीनों में, आज खास उसमें चर्चा नहीं हुई क्योंकि आज की चर्चा ज़्यादा अफसा पे चली गई थी, लेकिन बहुत एक डंडा है कि कई लोगों की तो नागरिकता है ही नहीं, और कई लोगों की जो है वो आधी अधूरी है, जिसकी आज जिक्र हुई कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में क्या एक बोला गया था कि जो आधी नागरिकता वाले लोग हैं, जो शोषित नागरिकता वाले लोग हैं, उनका उनकी पूरी नागरिकता की हमारा संविधान गारंटी करता है, बोलता है हम करेंगे,
चाहे वो दलित साथी हों, चाहे वो आदि, उनको एक सेकेंड ग्रेड का सिटीज़न है, सच्चाई में अधिकार हैं, लेकिन कोई दलित साथी से पूछो क्या अधिकार वो पा सकते हैं, या कोई मुसलमान साथी से आज के दिन में पूछ लें हम, या कोई आदिवासी साथी से पूछ लें, या कोई घुमंतू जाति वाले साथी से पूछ लें जिसको डी नोटिफाइड ट्राइब अंग्रेज छोड़ गए थे, आज भी हम वही बोलते हैं, तो वो तो अधूरी नागरिकता है, सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप, तो वो भी एक संघर्ष है। और तीसरा बड़ा संघर्ष जो है जिसको मैं आज बोलना चाहूँगा वो है संघर्ष जिसके ऊपर डंडा लगा के बोला जा रहा है कि आपकी नागरिकता खतरे में है, दुनिया भर में ये चल रहा है। तो ये तीनों सवालों के ऊपर मानव अधिकार के दृष्टिकोण से यहाँ जो साथी बैठे आप सब कर रहे हो उस पर काम, और मुझे लगता है इस संघर्ष को हमें और आगे ले जाना पड़ेगा। हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है साथियों, इस पहल में थोड़ी आधी अधूरीपन रहा है क्योंकि कई साथी आज यहाँ हैं, कई साथी आज नहीं आ पाए क्योंकि हम नहीं बुला पाए उन्हें, क्योंकि साथी तो बहुत कर रहे हैं देश भर में काम, आप कई लोगों को जानते हो, आप आपके मन में सोचते भी होंगे कि इनको भी यहाँ होना चाहिए था, तो वो हमारी कमी है। और साथियों मैं आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूँगा कि आप आज हो यहाँ, आप ज़रूर ज़रूर ऐसे साथियों के साथ उनको भी जोड़ो, उनको भी हम पहचाने, सब मिलके आप पहचानो उनको भी, इस जो राजा गोपाल जी अभी बोल रहे थे उनको भी इस परिवार में हम जोड़ें, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है ये परिवार। हालांकि राजा जी बोल रहे थे कि आगे न कम हो, पर जो हम देख रहे हैं पिछले सालों में ये परिवार पे कई प्रहार हैं और ये परिवार धीरे धीरे, हमें डर है, बिखर जाएगा, तो सभी को डर है आज, इसकी बहुत चर्चा होती है, हम भी उसमें से एक हैं, हमें डर है ये परिवार टूट जाएगा, प्रहार होगा, बिखर जाएगा। पर हमें ये भी है आशा कि जब तक आप जैसे सैनिक इस परिवार में हैं, आप जैसे लीडर, नेतृत्व देने वाले इस परिवार में, आप इसको सिकुड़ने नहीं देंगे। और उसी के तहत गुजारिश यही है कि हम और साथियों को जोड़ें। मैं अभी बैठा था तनवीर, उसके पहले मैं ये बोलूँगा कि तनवीर जी आज बोल रहे थे कि मानव अधिकार के जो रक्षक हैं, न्याय के जो रक्षक हैं आप लोग, ऐसे साथियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कानून होना चाहिए, इसका आपने शुरू में जिक्र किया था तनवीर भाई, धन्यवाद वो बोलने के लिए। ये प्रयास में हमको जुड़ना ज़रूरी है, हमने संस्थागत रूप में कई प्रयास किए लेकिन उसका कोई फल नहीं है, कई ड्राफ्ट तनवीर भाई ने ही बनाए, उसमें कई लोगों से उसमें चर्चा की लेकिन सरकारी स्तर पर उसका कोई ना उसका उसकी उसको देखा जाता है ना सुना जाता है, तो उसका खंडन ही किया जाता है। पर हमें उस पर बल बनाना पड़ेगा क्योंकि आज कई साथी जो खदानों पे काम कर रहे हैं, कुछ हैं साथी, कई साथी जो और खदानों पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं वो आज नहीं जुट पाए, आज आ नहीं पाए यहाँ, जिनके ऊपर कॉरपोरेट घरानों का काफ़ी प्रहार है, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो झारखंड में हो, तो साथी नहीं जुड़ पाए हैं आज। तो इस तरह के हमें और अपना इसको आगे रखना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ जैसा वैष्णवी जी के साथ बातचीत हो रही थी कि आगे आने वाले समय में कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि आपके नेतृत्व के साथ एक लीडरशिप स्कूल चलाने का प्रयास करें, आप सब उसमें जुड़ो क्योंकि आप सब टीचर हो, और आप ऐसे अन्य, आज बहुत अच्छा लगा कई स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ बच्चियां हैं जो लॉ की स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चियों ने बताया वो एडवोकेट हैं, नई नई बनी हैं, तो उसको और कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर कैसे एक ट्रेनिंग का प्रबंधन करें, हाउ शुड वी डू अ ट्रेनिंग प्रोसेस इन दैट, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल शुड वी रन। सो दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू से हियर, मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप लोग उसमें से कुछ पहल करें तो हम उसमें ज़रूर पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, और आप सब जुड़ेंगे इसमें। और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जिम्मेदारी हमारी भी है, और वो जिम्मेदारी है कि आप जो भी संघर्ष आगे कर रहे हैं उसमें हमसे जो हो सकेगा संस्थागत दायरे के अंदर संस्था के रूप से, उस पर हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक मात्र फैसिलिटेशन की सेरेमनी नहीं है, ये आपके साथ एक साथ का वायदा है, और हम बहुत गर्व है, मैं इतना ही बोलूँगा अभी। और साथ साथ धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने आज हमारे बीच आए, काफ़ी समय व्यस्त है लोगों का आज, लेकिन राहुल जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी चले गए हैं मोहम्मद अली शाह जी,
उनका बहुत ही बड़ा धन्यवाद हमारी दोस्त भाषा सिंह जी का कि वो आई हमारे बीच, उन्होंने बात रखी। एडिटर्स गिल्ड के संजय जी थे आज, जिसको जोसेफ भाई भरत कपूर बोल रहे थे, संजय कपूर थे, नहीं माफ़ी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भारत के एडिटर्स गिल्ड के सचिव हैं, तो इन्होंने उनको भारत कपूर ही बना दिया तो वो भी थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोसेफ जी का जिन्होंने, वो आसान नहीं था वो संचालन करना, तो आपने उसका संचालन किया, क्योंकि बहुत गर्म होने वाला था माहौल अफसा के ऊपर, और मैं देख रहा था वहाँ से बैठ के कि राहुल राम जी ने उनको थोड़ा ठंडा किया दोस्ती के रूप से, तो ये अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद माजा जी का, राजा जी का, मैं प्यार से उन्हें माजा राजा बोलता हूँ तो माजा जी का और राजा जी का जो हमें प्रेरित करते हैं, रितु जी का, राजीव जी का, तनवीर भाई का, दीपाली जी का और अन्य कई साथी जुड़े हैं। आयुष मल्होत्रा जो यहाँ पढ़ रही थी, और आसान काम नहीं है, तो आयुष मल्होत्रा असल में सफाई कर्मचारी आंदोलन में काम करती हैं, तो क्योंकि ये मानव अधिकार दिवस है और क्योंकि ये मानव अधिकार के फैसिलिटेशन सेरेमनी है, एक आदर का एक वो है कार्यक्रम, तो उन्होंने बोला मैं भी जुड़ूंगी, विल्सन भी जुड़ेंगे, विल्सन शायद है नहीं तो आ नहीं पाए, विल्सन बेजवाड़ा आप सब जानते हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका। मेरे बाकी साथियों का, मशकूर भाई सब अंदर गायब हो गए हैं, सृष्टि एंटीना तो मुकेश भाई और कोई साथी मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, राकेश भाई तो अनाउंसमेंट में थे अभी, तो ताली हो जाए, आप सब राकेश भाई को भी जानते हैं, और हमारे साथी जो उधर कैमरा के पीछे बाहर इंटरव्यू ले रहे हैं, टेकी विशी एड्रीना ऑफ कोर्स, तो एड्रीना अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा आपके लिए या हिंदी चलेगी तो एड्रीना जी का, और कौन साथी जुड़े हैं, हाँ रजनीश तो पीछे है, राजकुमार भाई का, राज सिंह जी का, वो मास्क लगा के पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, महेंद्र भाई का, और उधर बैठे हैं राजीव जी, वो तो मैं बोलने ही वाला था, और ललित भाई, तो सभी का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि स्टेज के पीछे काम करना कभी कभी हम लोगों को मौका मिल जाता है, और भाषण देना हमें भी नहीं आता, लेकिन यहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन पीछे कई साथी जुड़े हैं जिन्होंने प्रयास किया है, और मैं शायद एक दो साथियों के नाम भूल गया हूँ, मुझे माफ़ी, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और यदि आपने इंटरव्यू न किया हो तो ज़रूर करें, क्योंकि इसका प्रयोग हम सोशल मीडिया में ज़रूर करेंगे दूसरे लोगों को बताने के लिए कि आप किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हो। अब जगसीर भाई अपने संघर्ष को बताएं तो लोगों को उससे प्रोत्साहन 100% मिलेगा सर, क्योंकि कोई यदि ये सुने कि इस दशा में भी, इस दुर्दशा में भी, इस शोषण के साथ लड़के हम निकल के, जैसे अभी अपनी साथी आई है बनारस से, उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं रही है, लेकिन वो आसान कठिन ज़िंदगी की बात नहीं है, वो जो कर रही हैं उसको सलाम लगाना है, और वो सारा देश उसको सलाम करता है। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ आपको धन्यवाद बोलते हुए, और आपको चाय शायद हो, है क्या इस समय, गगन जी आ रही हैं क्या, अच्छा आ गई हैं, गगन जी आ गई हैं, तो गगन जी आपका आमंत्रण है मंच पर, आपके लिए जो अवार्ड है, धन्यवाद साथियों।